अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी से बहस करना एक शख्स के लिए महंगा पड़ गया। शख्स ने ट्रंप की बेटी इवांका को बुरा सपना कहकर उनके पास बैठने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे विमान से नीचे उतार दिया गया। ये पूरी घटना न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। हालांकि एयरवेज ने इस मामले की पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। वही विमान में सवार यात्रियों के अनुसार फ्लाइट में ट्रंप की बेटी इवांका को देखने के बाद अचानक से ये शख्स गुस्सा हो गया और उसने इवांका को एक बुरा सपना कह दिया। युवक ने कहा कि ओ माय गॉड, यह बुरा सपना है। यह कहकर युवक काफी आक्रामक हो गया। वही जब जेट ब्लू स्टाफ ने शख्स को शांत कराने की कोशिश की तो शख्स फिर बोला कि इन्होंने हमारा देश बर्बाद कर दिया है, अब ये हमारी फ्लाइट बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इवांका ट्रंप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए हवाई जा रही थी। जेट ब्लू ने अपने बयान में कहा कि हमारी टीम ने पैसेंजर को प्लेन से उतारने के बाद उसे अगली फ्लाइट में भेज दिया। फिलहाल इस मुद्दे पर ट्रंप के सत्ता हस्तांतरण दल ने कोई कमेंट नहीं किया है। तो ये शख्स कौन था, कहां जा रहा था, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको यहां बता दें कि अमेरिका में एक तबका ऐसा है जो ट्रंप को नापसंद करता है और यह शख्स उन्हीं में से एक था जिसके गुस्से का शिकार ट्रंप की बेटी को होना पड़ा। देखते रहिए डीबी लाइव।